दोस्तों हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और नई रिफ्रेशिंग वीडियो लेके, और ये है एक ओवर द ईयर हेडफोन की अनबॉक्सिंग, बोल्ट ऑडियो प्रो बेस बूस्ट करके जो इसका नाम आता है। और काफ़ी लोग जो कमेंट कर रहे थे या फिर हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कमेंट कर रहे थे कि एक वीडियो बनाइए इसके ऊपर और अनबॉक्सिंग या रिव्यू ज़रूर करिए इस हेडफोन का। ओवर द ईयर हेडफोन है और क्या ये लेना सही रहेगा गेमिंग के लिए या फिर म्यूज़िक लवर्स के लिए, तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। और इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, अगर आपको किसी भी हेडफोन की वीडियो देखनी है, लगभग मैंने 20-25 से ज़्यादा हेडफोन की अनबॉक्सिंग अपने इस चैनल पर डाली हुई है, आप देख सकते हैं। इसके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वरना आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हो जिसके अंदर एक से एक हेडफोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू डाला गया है। तो जल्दी से इसे शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर में क्या क्या मिल जाता है। तो ये रहे हमारे हेडफोन और ये है इसकी एसेसरीज। तो एसेसरीज में देख लेते हैं हमें क्या क्या मिल जाता है। सबसे पहले हमें मिल जाता है इसके लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, यानी कि क्या क्या प्रोडक्ट बोल्ट बनाता है, तो वो चीजें मिल जाती हैं। और अगर आपको देखना है तो आप इसे देख सकते हैं थोड़ा पॉज करके। उसके बाद हमें मिल जाता है यहाँ पर एक वारंटी कार्ड। उसके बाद हमें मिल जाती है इसकी जो चार्जिंग केबल है, और चार्जिंग केबल ब्रेडेड वाली है, यानी कि जो उसकी क्वालिटी है वो हल्की ज़रूर लग रही है वेट में, लेकिन क्वालिटी ठीक ठाक लग रही है मुझे, ज़्यादा ख़राब नहीं लग रही, कटेगी नहीं इतनी जल्दी या ख़राब नहीं होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑक्स केबल की, तो ऑक्स केबल की जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी लगी मुझे, और जो उसका एल शेप है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी तक किसी भी हेडफोन के अंदर ऐसी ऑक्स केबल मैंने नहीं देखी, बस जो मार्शल के हेडफोन थे, मार्शल मेजर 2, उसके अंदर जो ऑक्स केबल थी उसकी जो क्वालिटी थी बहुत ही अच्छी लगी थी, और उसके बाद मुझे ये पसंद आए ऑक्स केबल के मामले में। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्राइसिंग ज़्यादा नहीं है इसकी, 1700 रुपये के कुछ आते हैं ये, और ये ओवर द ईयर हेडफोन है। और इसकी हम कर लेते हैं बात बिल्ड क्वालिटी की। तो दोस्तों अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको जो मटेरियल मिल जाता है वो पूरा लेदराइट है, और यहाँ पर आपको बोल्ट की ब्रांडिंग मिल जाती है, हल्की सी कुशनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये जो पूरी प्लेट है वो मेटलिक है, यानी कि जो मेटल से बनी हुई प्लेट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एडजस्टमेंट की बात करूँ तो एडजस्टमेंट के लिए ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, ये वाला थोड़ा सा टाइट है। और अगर मैं इसकी कुशनिंग की बात करूँ तो कुशनिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और जो उसका लेदर है वो काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ हुआ है, आपके जो कान हैं उनके ऊपर आएगा, क्योंकि ओवर द ईयर हेडफोन है, और मतलब बिल्कुल भी आपके कानों को जो दर्द है वो बिल्कुल महसूस नहीं होने वाला। अगर आप 4 या 5 घंटे यूज़ भी करते हो तो बिल्कुल भी जो दर्द है वो बिल्कुल होने नहीं वाला। बाकी अगर मैं इसकी ये जो साइड वॉल है इसकी बात करूँ तो ये प्लास्टिक में है लेकिन मेटेलिक जैसा फील देता है, और ये पूरा बना हुआ मेट कलर के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखोगे रेड और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव सा लग रहा है। यहाँ पर आपको बोल्ट की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर की वॉल की, तो यहाँ पर आपको जो रेड सा कपड़ा है वो देखने को मिल जाएगा, और ये काफ़ी मोटी है इसकी जो कुशनिंग है वो काफ़ी मोटी है। उनको कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूँ तो कंट्रोल कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, प्लस और माइनस, यानी कि यहाँ पर जो आपको वॉल्यूम रोकर वो दोनों काम करेंगे, और प्ले पॉज के लिए ये वाला बटन काम करेगा, और यही बटन ऑन ऑफ के लिए भी यूज़ होगा। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ तो यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए स्लॉट मिल जाता है, और यहाँ पर है 3.5 का जैक। जब 3.5 के जैक की बात हो रही है तो मैं इसकी ऑक्स केबल की बात करना चाहूँगा। ऑक्स केबल के अंदर एक और फीचर है, यानी कि इसके अंदर माइक दिया हुआ है। अच्छे से अच्छे जो हेडफोन होते हैं उनकी जो ऑक्स केबल होती है वो कुछ इस तरीके की नहीं होती, वो एक नॉर्मल ऑक्स केबल होती है और उसके अंदर ये माइक का ऑप्शन नहीं होता। तो ये जो माइक का ऑप्शन है छोटा ऑप्शन है, लेकिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है आपकी गेमिंग के अंदर, आपकी वीडियो कॉलिंग के अंदर, और जो ऑक्स केबल की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। ऐसी ऑक्स केबल सिर्फ आपको थोड़ी बहुत जो क्वालिटी है वो मार्शल के जो हेडफोन थे उनको देखने को मिली थी, और किसी भी हेडफोन के अंदर आपको
ऐसी ऑक्स केबल देखने को नहीं मिली। इस हेडफोन की अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूं तो लगभग 12 से 15 घंटे का जो क्लेम है वो करती है कंपनी, और मुझे लगता है कि लगभग 8 से 10 घंटे तो चल जाना चाहिए। अगर आप 2 घंटे लगभग से चार्ज करते हो तो बैटरी फुल हो जाती है इसकी। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इसकी साउंड क्वालिटी है या फिर इसका जो कम्फर्टनेस है गेमिंग के दौरान वो कैसा रहेगा, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं हम अभी। तो दोस्तों इसकी जो साउंड क्वालिटी थी वो मैंने आपको सुना दिया माइक के थ्रू। अब मैं अपना बताता हूँ एक्सपीरियंस जो मुझे फील हुआ इस हेडफोन को लगाकर और सुन के इसकी जो साउंड क्वालिटी है, तो नो डाउट लीजिए साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है इसकी। 1700 रुपये की रेंज के अंदर जो आपको साउंड क्वालिटी मिल जाती है वो बहुत ही बेहतरीन मिल जाती है, आपको बेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और जब आप इस हेडफोन को ऑक्स केबल के थ्रू यूज़ करते हो तो उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो 10% और इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जो साउंड है वो थोड़ा सा और क्लियर और जो बूस्ट है यानी कि बेस का वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो मुझे ओवरऑल जो प्रोडक्ट था वो काफ़ी अच्छा लगा। और मैं इसकी कंफर्ट लेवल की बात करूं, जब आप इसे यूज़ करते हो तो जो ये कुशनिंग है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है और आपके जो कान है या फिर सर है उसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता। और जितना ये बड़ा है ना इतना फील नहीं कराता जब आप इसे यूज़ करते हो। और बहुत ही लाइट वेट भी है, अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ एक मेटल की रॉड है और जो वजन है ना वो बस इन्हीं ईयरफोन्स के अंदर है, यानी कि जो इसके कप्स हैं इसी के अंदर जो वजन है वो वजन है, बाकी कोई भी वजन इसके अंदर इतना फील नहीं होता। यानी कि आप जब इसे सर पे यूज़ करोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने कुछ हैवी चीज़ यूज़ कर रखी है। और जो इसकी टाइटनेस है ना वो भी आपको जो कान पे जो प्रेस करती है ना वो भी ज़्यादा दर्द नहीं करने वाली, क्योंकि इसकी जो कुशनिंग है और जो इसकी USP है ना वो इसकी कुशनिंग है, उसकी जो साउंड क्वालिटी है, बाकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो ठीक ठाक है क्योंकि आपको मेटल रॉड के साथ मिल जाती है। तो ये सब कुछ था इस हेडफोन के बारे में। और काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि आप इसकी वीडियो ज़रूर बनाइए, तो मैंने बना दी है। और अब आपको लाइक करना है इस वीडियो को, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। और अगर आप लेना चाहते हो इस हेडफोन को तो ले सकते हो नो डाउटली। अगर मैं कंपेयर की बात करूँ किसी और हेडफोन से, यानी कि बोट के 450 या 380 से या 510 से, तो थोड़ा सा 510 से हल्की सी वॉल्यूम ज़रूर आपको कम मिलेगी क्योंकि उसके अंदर जो ड्राइवर है वो काफ़ी बड़ा लगा हुआ है, 50 mm का ड्राइवर लगा हुआ है, तो हल्की सी वॉल्यूम ज़रूर कम मिलेगी, लेकिन जो कंफर्ट है वो इसके अंदर काफ़ी अच्छा, और 450 और 380 से तो थोड़ा सा अच्छा ही मिलेगा आपको जो साउंड क्वालिटी है, और कम्फर्ट भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। यही सब कुछ था बोल्ट ऑडियो प्रो बेस बूस्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है या फिर आपके किसी और काम के लिए भी आती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से जल्दी इस चैनल को ग्रो करने में मदद करो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।